जैसे वो लास्ट वीडियो में हमने अ और आ की मात्रा को कैसे अच्छे से उच्चारण कर सकते हैं वो सीखा था। अब हम छोटी ई और बड़े ई की मात्रा का उच्चारण या उसका फोनिक साउंड हम कैसे आसानी से सीख सकते हैं आज मैं आपको वो बताने जा रही हूँ। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहें और अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर भी करें। छोटी ई व बड़े ई की मात्रा को सीखने के लिए हर अक्षर के ऊपर इस मात्रा को लगा के हम उसका उच्चारण करेंगे। जैसे क पे लगाएंगे तो की, छोटी की मात्रा कौन सी है, आगे वाली है या बड़ी वाली है, इसकी पहचान करने के लिए हम जैसे हम छोटे बच्चे को क्यू में खड़ा होते हैं तो छोटे बच्चे को आगे खड़ा करते हैं और बड़ों को पीछे खड़ा करते हैं। इसी तरह हम ये ध्यान रखेंगे कि जो छोटी की मात्रा है वो अक्षर के आगे आएगी और बड़ी की मात्रा अक्षर के पीछे आएगी। तो जैसे क के आगे लगाएंगे तो वो छोटी की मात्रा और क के पीछे लगाएंगे तो वो बड़ी की मात्रा कहलाएगी। तो इसका हम उच्चारण करेंगे की और इसका करेंगे की। ऐसे ही ख के आगे जो मात्रा लगेगी वो होगी छोटी की मात्रा और यही की ख के जब पीछे लगाएंगे तो ये हो जाएगी बड़ी की मात्रा। तो हम इसका उच्चारण कैसे करेंगे की खी गी। ऐसे ही बड़ी की करेंगे की खी गी। ऐसे हर अक्षर के ऊपर जैसे च के आगे लगाई तो ये बनी ची और च के पीछे लगी तो ये बनी ची। ऐसे ट के आगे लगाई तो ये बनी टी और ट के पीछे लगेगी तो ये बनेगी टी। इस तरह से छोटी की मात्रा को हम जल्दी से बोल लेते हैं और बड़ी की मात्रा को हम थोड़ा टाइम लेके या लंबा बोलते हैं। जैसे छोटी की मात्रा में हम अक्षर लेते हैं जिराफ, किसान, पहिया, जिसको हम जल्दी से उच्चारण कर देते हैं ई की मात्रा को वो छोटी की होती है और जिसको लंबा बोलते हैं वो बड़ी की मात्रा होती है। जैसे हाथी, घड़ी, मछली, ऐसे ही हम कुछ वर्ड्स को देखेंगे। जैसे क को छोटी की मात्रा लगाई तो बनी की, की ला, की ला। ऐसे ही जब बड़ी की मात्रा लगाते हैं क को तो की ल, कील यानी नेल। ऐसे ती ल, तिल और बड़ी की मात्रा लगाने से ती र, तीर। ऐसे द को छोटी की मात्रा लगाई तो दी या, दिया, दिया यानी गिव और द को बड़ी की मात्रा लगाई दी या, दिया यानी जो हम दिवाली पे जलाते हैं दीपक, दिया। पी ला, पिला, पिला किसी को पानी पिलाना, चाय पिलाना, दैट इज वर्ड पिला। लेकिन प को बड़ी की मात्रा लगाई तो बना पी ला, पीला यानी येलो कलर। ऐसे माँ को छोटी की मात्रा लगाई मी ला, मीला और माँ को बड़ी की मात्रा लगा के मी ल, मील यानी माइल, जो डिस्टेंस होता है। तो इसकी उच्चारण में साउंड में डिफरेंस आ जाता है और उसी आवाज को समझ के ही हमें मात्रा का प्रयोग करना। लाइक और शेयर भी करें।